Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study short questions and answers from the lesson A Letter to God, written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes के द्वारा लिखित A Letter to God, ईश्वर के नाम पत्र के इससे पहली वीडियो नंबर 1 में 1 से 7 तक के क्वेश्चंस की आंसर्स की हिंदी आपको बताई थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। व्हाई डिड लेंचो से लेंचो ने क्यों कहा द रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें वर लाइक न्यू कॉइन्स नए सिक्कों के समान थी। लेंचो ने क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए नए सिक्कों के समान थी। आंसर, लेंचोज क्रॉप्स वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचोज क्रॉप्स लेंचो की फसलें वर रेडी तैयार थी फॉर हार्वेस्ट कटाई के लिए। कटाई के लिए लेंचो की फसलें तैयार थीं। हाउएवर दे नीडेड अ गुड डाउनपोर बिफोर हार्वेस्टिंग। हाउएवर किंतु दे नीडेड उनको आवश्यकता थी किनको पकी हुई फसल को। ए गुड डाउनपोर एक अच्छी बारिश की। बिफोर हार्वेस्टिंग काटने से पहले फसलों को काटने से पहले उन्हें एक अच्छी बारिश की आवश्यकता थी। आफ्टर ए डाउनपोर एक बारिश के पश्चात ही कुड सेल वह बेच सकता है। सेल मींस बेचना। दी हार्वेस्ट फसल को वह फसल को बेच सकता है एंड गेट मनी और धन प्राप्त कर सकता है या कर सकेगा। दैट इज वाई इसीलिए ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। दैट इज वाई इसीलिए इसी कारण से वह बारिश की बूंदों को या बारिश की बूंदों की नए नए सिक्कों से कंपेयर्ड तुलना की। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश किस प्रकार बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। व्हाट हैपेंड क्या हुआ टू लेंचोज फील्ड्स लेंचो के खेतों को क्या हुआ। आंसर, द रेन वॉज पोरिंग डाउन। बारिश पड़ रही थी बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। परंतु सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगी। एंड वेरी लार्ज हेयर स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। एंड और वेरी लार्ज हेयर स्टोन्स बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे बरसने लगे अलोंग विद द रेन बारिश के साथ साथ। और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले बरसने लगे। द हेल रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर। द हेल ओला रेन्ड बरसा ऑन द वैली घाटी के ऊपर फॉर एन आवर एक घंटे तक। एक घंटे तक ओला सारी घाटी में बरसा। बिकॉज ऑफ विच जिसके कारण लेंचोज फील्ड्स वर रुइंड। जिसके कारण लेंचो के खेत वर रुइंड नष्ट हो गए बर्बाद हो गए। उसके खेतों में जो फसल थी वो ओले के कारण बर्बाद हो गई। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। देयर वॉज नॉट अ सिंगल लीफ एक भी पत्ती नहीं थी लेफ्ट ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रह गई थी।
and the flowers were gone from the plants. Flowers fall were gone, चले गए थे या टूटकर गिर गए थे from the plants, पौधों से फूल टूटकर नीचे गिर गए थे. The corn was totally destroyed. Corn means अनाज. Was था totally पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से destroyed, नष्ट हो गया. और अनाज संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया था. क्वेश्चन नंबर 10. What were Lancho's feelings when the hail stopped? When the hail means ओला वृष्टि, stopped रुकी. जब ओला वृष्टि रुकी या ओला पड़ना बंद हो गया तो लेंचो की क्या भावनाएं थी? आंसर, when the hail stopped, Lancho's soul was filled with sadness. When the hail stopped, जब ओला पड़ना बंद हुआ तो Lancho's soul, Lancho की आत्मा was filled, भर गई थी with sadness, दुख से. तो Lancho की आत्मा दुख से भर गई थी या Lancho की आत्मा दुखी हुई. Lancho का मन दुखी हो गया. He looked around at his fields. He looked around, उसने चारों ओर देखा. At his fields, अपने खेतों को. उसने चारों ओर अपने खेतों की ओर देखा. And said, और कहा, that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm. Even a plague, plague means हमला. Of locusts, टिड्डियों का हमला would have left, छोड़ देता है, more, ज्यादा, than what was left after the hailstorm. यानी जो ओले से रह गया है, बच गया है, टिड्डियों का दल उससे ज्यादा नुकसान नहीं करता. कहने का अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि जितनी हानि फसल को ओले ने की है इतनी हानि तो टिड्डियों का हमला भी नहीं करता. He said, उसने कहा, that they would have no corn that year. He said, उसने कहा, that कि they would have, उन्हें मिलेगा, no corn, कोई अनाज नहीं, that year, इस वर्ष उन्हें कोई अनाज नहीं मिलेगा. And they would go hungry, और वे भूखे ही रहेंगे. He was full of sorrow. वह दुख से भरा हुआ था या वह दुखी था. नंबर 11. Who or what? Who or what did Lancho have faith in? Lancho का किस में विश्वास था? What did he do? उसने क्या किया? Lancho had faith in God. Lancho का ईश्वर में विश्वास था. Faith means विश्वास. He had been instructed. उसको शिक्षा दी गई थी. उसको बताया गया था. उसको निर्देश दिया गया था. That God's eyes see everything. कि God's eyes, ईश्वर की आंखें, see everything, हर चीज को देख लेती हैं. Even what is deep in one's conscience. Even भी, what is, क्या है, deep, गहराई में, in one's conscience, एक व्यक्ति की अंतरात्मा की. यानी कि भगवान की आंखें हर चीज को देख लेती हैं कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराइयों में क्या है, उसको भी भगवान की आंखें देख लेती हैं. Therefore, इस प्रकार he wrote, या इसलिए he wrote a letter to God, उसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा, expressing his need for 100 pesos. Expressing, व्यक्त करते हुए, his need, अपनी आवश्यकता, for 100 pesos, 100 pesos की. 100 pesos की अपनी आवश्यकता को बताते हुए, व्यक्त करते हुए, लेंचो ने भगवान के नाम एक पत्र
लिखा. सो इसीलिए, सॉरी, सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन. सो दैट, ताकि ही कुड सो, वह बो सके. सो मिस बोना हिज फील्ड, अपने खेतों को, अगेन दोबारा, ताकि वह अपने खेत को दोबारा बो सके, बीज बो सके. एंड लिव, और जीवित रह सके. अंटिल द क्रॉप ग्रू अगेन, जब तक की फसल पुनः उग कर आती, तब तक के लिए जीवित रहने के लिए उसको और अपने खेतों को बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी. क्वेश्चन नंबर 12, हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा. व्हेन द पोस्टमैन सा दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, ही लाफ्ड एंड टुक द लेटर टू द पोस्टमास्टर. व्हेन द पोस्टमैन सा, जब पोस्टमैन ने देखा, दैट द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, कि पत्र भगवान के पते पर था, भगवान के नाम पर था, तो ही लाफ्ड, वह हंसा. एंड टुक द लेटर टू द पोस्टमास्टर, एंड टुक, और ले गया द लेटर, पत्र को, टू द पोस्टमास्टर, डाकपाल के पास, और पत्र को डाकपाल के पास ले गया. हु, जिसने. देन रेड इट, जिसने फिर उसको पढ़ा. किसको? पत्र को. पोस्टमास्टर ने, डाकपाल ने पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, फिर उसने क्या किया. इन ऑर्डर टू कीप द राइटर्स फेथ इन गॉड अलाइव, इन ऑर्डर टू कीप, रखने के लिए, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में, अलाइव, जिंदा या कायम, लेखक का ईश्वर में विश्वास कायम रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर. द पोस्ट मास्टर, डाकपाल ने, डिसाइडेड, निश्चय किया, टू आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए. व्हेन ही रेड, जब उसने पढ़ा पत्र को, दैट लेंचो नीडेड 100 पैसोस, कि लेंचो को 100 पैसोस की आवश्यकता है, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. ही आस्क्ड फॉर, उसने मांगा मनी, धन, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से. उसने, किसने, पोस्टमास्टर ने, डाकपाल ने, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. ही हिमसेल्फ, उसने भी खुद, गेव दिया, ए पार्ट, एक भाग, ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का, उसने भी खुद अपने वेतन का एक भाग दिया. ही कुड नॉट गैदर द एंटायर अमाउंट. ही कुड नॉट गैदर, गैदर मीन्स एकत्रित करना, कुड नॉट गैदर, एकत्रित नहीं कर सका, द एंटायर, सारा, अमाउंट मीन्स धनराशि, वह उस सारी धनराशि को, कौन सी, 100 पैसों की सारी धनराशि को वह एकत्रित नहीं कर सका. बट मैनेज टू सेंड लेंचो ए लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट. बट मैनेज्ड, परंतु व्यवस्था करा, व्यवस्था की, टू सेंड, भेजने की, लेंचो, लेंचो को, ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज्यादा, देन हाफ द अमाउंट, आधे से अधिक, परंतु वह पूरी धनराशि तो नहीं एकत्रित कर सका, परंतु आधे से अधिक राशि भेजने में वह कामयाब हुआ या व्यवस्था कर पाया. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड साइंड इट गॉड. ही पुट, उसने रखा द मनी, राशि या धन को, इन एन एनवेलप, लिफाफे के अंदर. एनवेलप मीन्स लिफाफा, लिफाफे के अंदर उसने धन को रखा.
एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के पते पर, लेंचो के नाम, एंड साइंड इट, और उस पर हस्ताक्षर किया गॉड, और नीचे उसमें गॉड लिख दिया जैसे गॉड ने भेजे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू सी अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो चकित हुआ टू फाइंड, देख करके पा करके ए लेटर, पत्र को, फॉर हिम अपने लिए, विद मनी इन इट, उसके अंदर धन रखे हुए, यानी पत्र के अंदर धन रखे हुए पत्र को पाकर के क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ। आंसर नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, लेंचो वाज नॉट, नहीं था एट ऑल, बिल्कुल भी सरप्राइज, चकित, नॉट, नहीं, लेंचो बिल्कुल भी तो चकित नहीं हुआ टू सी, देख करके, द लेटर फ्रॉम गॉड, ईश्वर से पत्र को पाकर के, कि ईश्वर से आया है पत्र, ये जानकर के उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, विद मनी इनसाइड इट, उसके अंदर रखे हुए धन, उसके अंदर पत्र के भगवान से प्राप्त अंदर रखे हुए पत्र को देख करके लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ, उसका विश्वास इन गॉड, ईश्वर में, वाज सच, ऐसा था, दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, दैट ही हैड एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी, दैट रिप्लाई, उस उत्तर की, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, यानी कि उसका ईश्वर में ऐसा विश्वास था कि उसने ईश्वर से ऐसे जवाब की या उत्तर की आशा की थी। ये शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 15। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज ने नाराज कर दिया, किसे, लेंचो को। ही गोट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिने द मनी, पैसों को, जब उसने पैसों को गिना, जब उसने राशि को गिना, जब उसने धन को गिना, तो वह नाराज हो गया। देयर वाज ओनली 70 पैसोस इन द एनविलप, देयर वर ओनली, केवल थे 70 पैसोस इन द एनविलप, लिफाफे के अंदर केवल 70 पैसोस थे। ही वाज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर डिनाई हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ही वाज कॉन्फिडेंट, उसको विश्वास था, कॉन्फिडेंट मीन्स विश्वस्त, उसे विश्वास था दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, कि ईश्वर भगवान, कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, कि भगवान न तो गलती कर सकता है, मेक ए मिस्टेक मीन्स गलती करना, नाइदर मीन्स न तो, कि भगवान न तो गलती कर सकता है, नॉर और न, डिनाई हिम और न ही उसे इनकार कर सकता है, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी, कितने की प्रार्थना की थी, 100 पैसों की, 100 पैसों देने के लिए भगवान मना नहीं कर सकता। देयरफॉर, इसीलिए, ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाला, दैट द पोस्ट ऑफ हिज एम्प्लॉईज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पैसोस, और उसने निष्कर्ष निकाला कि दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉईज, डाकघर के कर्मचारियों ने मस्ट हैव टेकन, निकाल लिए होंगे या ले लिए होंगे द रिमेनिंग 30 पैसोस, शेष 30 पैसोस इन डाकघर के कर्मचारियों ने निकाल लिए होंगे, ऐसा उसने निष्कर्ष निकाला। तो ये थे स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे, यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलते हैं इसी लेसन के लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।